गुलजार शोभा, हम सत्संग में नहीं आए थे, लेकिन हम बाबा ने जो ओम निवास बच्चों के लिए खोला था उसी में ही आए थे। और वहाँ आ करके जो हम लोगों को मम्मा और बाबा का प्यार मिला, जो निस्वार्थ प्यार, वैसे तो माँ बाप का प्यार होता है बच्चों पे, लेकिन ये जो था वो निस्वार्थ प्यार, आत्मक प्यार, और बाबा की हम बच्चों के प्रति जो भावना रहती थी वो सदा ही रहती थी कि ये मेरे ठाकुर हैं, जीटीज हैं, रवाजी कुमारियाँ नहीं है लेकिन शक्तियाँ हैं। तो वो जो बाबा की भावना और निस्वार्थ प्यार, उसने हमको बाबा की तरफ, ज्ञान की तरफ आकर्षित किया। उम्र 9 साल की, यही बाबा का जो मिलना था, दृष्टि देना था, या हमारे में जो बाबा का लक्ष्य था, छोटे छोटे बच्चे तैयार हो जावे विश्व को परिवर्तन करने का, वो ऊंची भावना देख करके और ऊंचा प्राप्ति देख करके, क्योंकि बाबा से हमको प्यार भी मिला, ज्ञान भी मिला, और साथ साथ जो है बाबा की पालना जो थी वो बिल्कुल ही ऐसी थी जो राजकुमारियों की भी नहीं हो। तो इसीलिए इसने हमको बाबा के पालना ने, प्यार ने, और साथ में बाबा की जो हम प्रति ऊंची भावना थी उसने आकर्षण किया। 4 क्लास, वो क्या है जो बाहर की नॉलेज है उसमें तो इस वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिसाब किताब ये होता था, और यहाँ जो पढ़ाई पढ़ी वो बेहद की हिस्ट्री और ज्योग्राफी, सतयुग से लेके कलयुग संगम तक। तो इस नॉलेज में मैं कौन हूँ, परमात्मा क्या है, तो इससे क्या हुआ, जैसे एक हमारे को विशाल नॉलेज मिली, जो हद की नॉलेज थी वर्ल्ड की उसके बजाय हमको बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी मालूम पड़ी, अपनी पहचान हुई, परमात्मा की हुई, इसीलिए ये नॉलेज बहुत अच्छी लगती थी। वैसे तो पहले बार हम जब ध्यान में गए थे तो घर में ही गए थे, क्योंकि हमारे संबंधी जो हैं वो भक्ति में थे, लौकिक माँ भी भक्ति में बहुत थी, और हमारे मामी के घर में भी थे। तो पहले पहले बाबा, ब्रह्मा बाबा में जब प्रवेशता हुई तो शुरू शुरू में उस मामी के घर में बाबा रहने आया था, और सत्संग चालू था। तो वहाँ एक दिन मैंने साक्षात्कार किया पहला, और वो पहला साक्षात्कार था श्री कृष्ण का, जिसका हमको ज्ञान नहीं था। वैसे हमारे सिंध में एक रवाज था कि शीशे पर प्रिंट होती थी और देवताओं की प्रिंट होती थी, लेकिन हम छोटे बच्चे खाने पीने घूमने पढ़ने में बिजी रहते थे, तो हमको ज्ञान नहीं था कि ये चित्र अच्छे हैं। जैसे चित्र आर्ट का काम देख करके खुशी हो ना, उसी रीति से हमारा अटेंशन ये नहीं जाता था कि ये क्या, किसकी मूर्ति है, क्या है, लेकिन एक आर्ट के रीति से बहुत अच्छा लगता था। तो पहले जब हमने श्री कृष्ण का साक्षात्कार किया वो 8 साल की आयु में, पीछे हम बोर्डिंग में गए, तो मेरे को पता ही नहीं था कि ये मैंने क्या देखा, लेकिन हमारी लौकिक माँ भक्ति में होने के कारण उसने मेरे भाव को समझा कि इसने कोई देवता का साक्षात्कार किया है। तो जो मूर्तियाँ होती है ना घर में, वो ले आई, राम की, कृष्ण की, ये सब मूर्तियाँ मेरे आगे ले आई।
लेकिन मूर्तियाँ और प्रैक्टिकल साक्षात्कार में जो श्री कृष्ण हमने देखा उसमें बहुत अंतर था। यानी उनकी दास दासियां भी उसे अच्छी थी जो चित्र आजकल के हैं। तो मैं ये समझा नहीं सकी कि मैंने क्या देखा, लेकिन श्री कृष्ण का जो पोज है ना डांस का, थोड़ा ऐसे टेढ़ी टांग का, उससे हमने उसको सुनाया ये ऐसा था, लेकिन वो फीचर्स बहुत अच्छे थे। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि ये तुमने श्री कृष्ण का देखा है, और फिर मैंने भी समझा श्री कृष्ण क्या है। लेकिन एक साल के बाद हम उमदवास में दाखिल हो गए, और फिर तो हमको ज्ञान मिल गया। इतने बंधन मेरे पास नहीं थे, क्योंकि मेरी लौकिक माँ जो है उसको रुचि थी कि चार कुमारियों में से एक कुमारी ज़रूर ऐसे भक्ति के मार्ग की तरफ जाए। तो उसकी मदद से हमारे को कोई खास बंधन नहीं पड़ा। गए वारंट के जब निकला तो हम छोटी आयु वाले थे, इसलिए गए ज़रूर घर में, लेकिन वहाँ भी माँ ज्ञान के भक्ति के कारण हमको कोई बंधन नहीं डाला। लेकिन एक मास एक वर्ष जो है वो हमको वारंट के द्वारा रहना पड़ा, और फिर उसके बाद हमारी लौकिक माई कराची में ही था बाबा, और हम भी कराची में ही रहते थे। तो सवेरे सवेरे जो है वो लौकिक माँ हमको यहाँ ले आई सत्संग में, और कहा बाबा अभी मैं इसको नहीं ले जाऊँगी वापस। तब से मैं वहीं रह गई। बोर्डिंग की दिनचर्या जो थी, सवेरे हम उठते थे, लेकिन योग अभ्यास वगैरह की योग शब्द नहीं था उस समय। यही था कि आत्म अभिमानी बन के आत्मा रूप में स्थित होना है। तो सुबह को उठ करके हमको उठते ही समझो आत्म अभिमानी बनने की ये ड्रिल करते थे। और फिर उसके बाद बाबा, छोटे बच्चे थे हम लोग, तो हम लोगों को स्थूल ड्रिल भी सिखाते थे। तो ड्रिल करते थे, उसके बाद बगीचे में घूमने जाते थे, वहाँ खेल वगैरह होता था, लौटते जो है वो हम लोगों के लिए नाश्ता पहले से ही तैयार रहता था, और हमको कुछ नहीं करना पड़ता था। थाली तैयार होती थी, हम खा के और थाली वहीं छोड़ करके जाएंगे। तो हम लोगों को पालना जो बाबा ने दी, और दूध में भी ऐसे नहीं खाली दूध बाबा पिलावे, पिस्ते बादाम डाल के और केसर वगैरह डाल के बहुत अच्छी रीति से हमको नाश्ता भी कराते थे, उसके साथ दूध भी देते थे। चाय हम लोग नहीं पीते थे, दूध ही लेते थे। तो इसी रीति से ये सुबह का तो ये प्रोग्राम चलता था, और उसके बाद हम तैयार होके, कोई सवेरे तैयार होते थे, कोई घूमने के बाद होते थे, फिर हम क्लास होता था, और क्लास में हमको इंग्लिश हिंदी गुजराती सब सिखाते थे। उसके बाद रिसेस में बाबा हम लोगों को बहुत प्यार से जो भी नया फल निकलता था वो अपने हाथ से काट के और खिलाते थे। उसके बाद जो है फिर हमारा क्लास होता था, और कोई 2-3 बजे तक क्लास होता था, उसके बाद फिर हम खाना खा के रेस्ट करते थे, और फिर उसके बाद जो है वो हम लोग शाम के टाइम जो है वो एकांत में आत्म अभिमानी बन के बैठने का अभ्यास करते थे। और शाम को बाबा कभी समुद्र के किनारे भी ले जाता था। जब हैदराबाद से कराची में आए हैं तो वहाँ बाबा हमको सागर के किनारे भी ले जाता था, वहाँ खेल भी कराता था,
और कहीं ट्रांस में भी चले जाते थे और सागर के किनारे पर अलग अलग बैठ के हम योग शब्द नहीं था लेकिन आत्मा रूप में स्थित होने का अभ्यास करते थे। हाँ वो तो हम सभी को टर्न बाय टर्न, कभी भंडारे की सेवा, कभी रोटी पकाने की सेवा, कभी प्रेस करने की सेवा, ऐसे ऐसे काम हम लोगों को टर्न बाय टर्न मिलते थे और हम वो कर्मणा करते थे। क्योंकि हम ज़्यादा करके उन दिनों में ट्रांस में जाती थी, इसीलिए विशेष कोई नहीं हुई, क्योंकि ट्रांस में जाने के कारण हम बाबा के पास ज़्यादा रहती थी। वो क्या है कि पहले हमारा साक्षात्कार जो होता था वो सिर्फ वैकुंठ का, सतयुग का होता था, श्री कृष्ण के साथ रास करना, श्री कृष्ण के साथ खेलना, सिर्फ सतयुग का ही होता था। लेकिन अचानक ही एक दिन बाबा ने मौन रखाया था 8 दिन का, और कोई कोई कुछ नहीं बोलना था, कारोबार सारी चलनी थी, लेकिन मौन था, स्ट्रिक्ट मौन था, तो टाइम बच गया। वैसे यहाँ वहाँ बात करने में भी तो टाइम चला जाता है, तो मौन होने के कारण हमारा टाइम बढ़ गया, खाली मतलब होते थे। तो शाम के टाइम हम ऐसे ही योग समझो या एकांत में, जैसे दो बहनें ऐसे एक दो को दृष्टि देके बैठी थी। तो हमारी ट्रांस का पार्ट तो पहले 8 वर्ष की जब थी हम तभी था, उसके बाद तो मैं ट्रांस में नहीं गई। लेकिन जब हम मौन के दिनों में बैठे एक दो को दृष्टि देके, तो मैं बहुत समय के बाद जैसे गुम हो गई, और मुझे पता नहीं जहाँ हम बैठे थे कहाँ बैठे हैं, और बैठे भी ऐसे स्थान पर थे जो गिर भी सकते थे, पहली मंजिल पर बैठे थे, लेकिन मुझे पता नहीं था। और ट्रांस में मैं चली गई और वहाँ मैंने सूक्ष्म वतन का ब्रह्मा बाबा, अव्यक्त बाबा जो है वो देखा। तो पहले वाली सूक्ष्म वतन का राज जो है वो खुला, तो बाबा को हमने सुनाया और धीरे धीरे वो सूक्ष्म वतन का पार्ट जो है या नॉलेज जो है वो स्पष्ट होती गई। तो पहला साक्षात्कार तो कृष्ण का हुआ, लेकिन दूसरा साक्षात्कार हम लोग संपूर्ण ब्रह्मा का हुआ। और उसके बाद जैसे सूक्ष्म वतन में आना जाना, देखना और मैसेज लाना, वो सब चालू हो गया। मेरे साथ और भी संदेशी बहनें तैयार हुई, उन्हों को भी साक्षात्कार हुआ, लेकिन सूक्ष्म वतन के ब्रह्मा बाबा को पहले हमने देखा। उससे स्पष्ट कराने में टाइम तो लगा, समझ में नहीं आता था ना, ब्रह्मा बाबा तो साकार में था, ये फिर क्या है। तो धीरे धीरे बाबा ने, यानी संपूर्ण ब्रह्मा ने स्पष्ट किया। फीचर्स वही ब्रह्मा बाबा के साकार जैसे थे, लेकिन वो ट्रांसपेरेंट और लाइट का, जो उनके समझो ब्रह्मा बाबा, संपूर्ण ब्रह्मा को हम स्पर्श करें तो हमको हड्डी मांस नहीं दिखाई देता ना, लेकिन लाइट की बॉडी पूरी, फीचर्स पूरा दिखाई देता था। और हम भी जब सूक्ष्म वतन में गए तो मैं भी अपने को वही ट्रांसपेरेंट रूप में ही देखती थी। तो ट्रांसपेरेंट रूप होने के कारण वहाँ की जो भाषा थी इशारों में, अब मूवी थी, लेकिन मैं भी ट्रांसपेरेंट आकारी रूप में थी, इसीलिए हमको संपूर्ण ब्रह्मा की भाषा बहुत सहज समझ में। ब्रह्मा बाबा को पहले तो थोड़ा आश्चर्य लगा, लेकिन बाबा ने कहा कि आप स्पष्ट पूछो और फिर बाबा मेरे में प्रवेश होकर स्पष्ट कर दें।
तो पहले तो किसी को समझ में नहीं आया कि ये क्या बाबा ब्रह्मा बैठा है साकार में, और फिर ये ब्रह्मा बाबा क्यों देखती हैं। लेकिन वर्णन होता गया और स्पष्ट होता। तब हम दिल्ली में थे, लेकिन फोन आने के बाद हम यहाँ दूसरे दिन ही पहुँच गए थे। और जो भी बाबा के बॉडी रखने का या जो भी प्रोग्राम था वो दादी ने हमको निमित्त बनाया था, और वो प्रोग्राम हम मैसेज बाबा का लिख के दादी को सुनाते थे। और बॉडी रखना है, कैसे रखना है, कितना समय रखना है, क्योंकि सभी दूर दूर से आने थे, तो वो प्रोग्राम जो है वो उसके निमित्त हमको दादी ने रखा। और फिर मैं यही थी, और जब बाबा का संस्कार किया उसके बाद हम भोग लगाते हैं, हमेशा नियम है ब्राह्मणों का, तो ये संस्कार के बाद हम भोग में बैठी। और भोग में जब बैठी तो हम तो इसी रीति से गई, तो जैसे सभी का भोग लगता है, संदेश आता है, उसी रीति से मैं भी बैठी थी। लेकिन उसी दिन संपूर्ण ब्रह्मा शिव बाबा प्रवेश हुआ अचानक। हमको पता नहीं था कि अव्यक्त पाठ चलना है या क्या है, लेकिन अचानक ही अव्यक्त और ब्रह्मा और शिव बाबा बाप दादा की प्रवेशता हुई। और जो भी सभी के क्वेश्चंस थे, क्या होगा भविष्य में, कैसे चलेगा, वो उसी दिन बाबा ने प्रवेश होके सारा स्पष्ट किया। तो मुझे पता नहीं था, लेकिन अचानक ही ये प्रवेशता हुई और बाबा ने कहा कि इसको संदेशी का पाठ जो है वो इसको ही बजाना है, निमित्त है, उसके बाद हमारा ये अव्यक्त का पाठ जो है प्रवेशता का वो चलता रहा। नहीं, पहले तो हमको अलग दिखाई देता था ना, ब्रह्मा बाबा जब संपूर्ण हो गए तो फिर बाबा ब्रह्मा अव्यक्त ब्रह्मा जो है वो एक हो गए। पहले अलग दिखाई देते थे, फिर एक हो गए। अभी जितना टाइम भी बाप दादा होते हैं तो उतना टाइम पहले हम ट्रांस में जाते हैं और बाबा से मिलते हैं, जो कोई मैसेज होता है वो सुनाते हैं, और फिर बाबा कहते हैं अच्छा बच्ची अभी मैं जा रहा हूँ बच्चों से मिलने। उसके बाद हमको अपनी कॉन्शियस नहीं रहती, होती आत्मा मेरी इस शरीर में है, लेकिन कॉन्शियसनेस नहीं होती कि मैं गुलजार हूँ, मेरे में बाबा प्रवेश हुआ है, प्रवेश हो के मिल रहा है या वाणी चला रहा है, वो कॉन्शियस हमको नहीं रहते। जब तक बाबा यहाँ प्रवेश होता है तब तक हमारी कॉन्शियसनेस जो है वो मर्ज होती है। उसके बाद जब बाबा वतन में आते हैं तो फिर मैं कॉन्शियसनेस में आती हूँ और बाबा हमको छुट्टी देता है और कोई मैसेज होता है तो वो सुनाता है और फिर मैं नीचे टांग से आ जाती। सत्युग में क्या है कि जो मनुष्य में होना चाहिए, समझो फीचर्स, स्वभाव, संस्कार और संपत्ति, यही संबंध, यही मनुष्य की विशेष होती है। तो वहाँ सत्युग में सभी संपूर्ण है, प्रकृति जो है वो भी सत्व प्रधान है, इसीलिए वहाँ कोई हलचल नहीं। प्रकृति जो है वो सुख देने वाली है, इसीलिए वहाँ प्रकृति द्वारा भी सुख मिलता है, दुख का नाम निशान नहीं है। और मनुष्य जो है संबंध में भी कोई नीचे ऊपर नहीं है, एक दो से संबंध ऐसा स्नेह बड़ा है जो को होना चाहिए, और साथ में संपत्ति की भी कोई कमी नहीं है। तो चाहिए क्या, एक तंदुरुस्ती चाहिए, और तंदुरुस्ती ऐसी है जो वहाँ बीमारी की, डॉक्टर की नाम निशान नहीं है।
तो जो देवता ही जीवन है उसमें सर्व प्राप्ति है, तन की भी, मन की भी, धन की भी, संबंध की भी और प्रकृति की भी प्राप्ति। सतोपदान होने के कारण प्रकृति भी दासी रहती, तो इसीलिए वहाँ कोई अप्राप्ति नहीं है, सर्व प्राप्ति है। और सुख और शांति तो एक जैसे जन्म सिद्ध अधिकार है। यहाँ सुख लेने के लिए कोशिश करनी पड़ती है, वहाँ नेचुरल लाइफ ही सुख और शांति की है। इसीलिए वो देवताएं जो हैं वो आकर्षण करते हैं, क्योंकि यहाँ की पवित्रता वहाँ की प्राप्ति है। तो पवित्रता की प्राप्ति जो है वो सुख शांति है। इसीलिए पवित्रता का यहाँ जो पाठ पढ़ते हैं समय पर, तो वहाँ देवता जीवन में हमको सुख शांति एक जीवन का नेचुरल रूप है। यहाँ तो कोशिश करते हैं ना सुख पाने की, वहाँ इस नेचुरल इतनी मशीनरी वहाँ नहीं है। सोलर सिस्टम ज्यादा है, प्रकृति द्वारा ही समझो वायु है, तो वायु भी कहीं काम में आती है, जैसे फैक्ट्री है या कुछ भी है तो वायु भी मदद करती है, काम करना पड़ेगा। लेकिन क्या है कि यहाँ मेहनत करनी पड़ती है। समझो फल डाला आपने और अचानक ही कुछ बारिश आ गई, अचानक ही प्रकृति की हलचल हो गई, तो मेहनत करते बीज अच्छा होते हुए भी फल अच्छा नहीं निकलता। और वहाँ बीज आप डालो और फल बहुत ज़्यादा है और अच्छे में अच्छा सहज ही होता है, तो वहाँ फल की भी प्राप्ति जैसे सहज होता है। यही था कि हमको विश्व परिवर्तन करना है और उसमें आप बच्चे जो हैं वो मेरे सहयोगी आत्माएं हैं। उसी लक्ष्य से हम लोगों को बाबा देखते थे, विश्व परिवर्तक हैं, डीटीज है, यही जाके देवता बनने हैं, उसी वियन से बाबा देखते थे और हम लोगों को पालना देते थे। नहीं, हमको इस जन्म में जो अति सुख की बाबा के पालना की अनुभूति होती थी, तो हम सत्य को सेकंड नंबर समझते थे और पहला जो प्राप्ति का समय वो इस जन्म को समझते, संगम को। इसलिए बाबा कुछ भी कहता था, 2 साल है या 1 साल है, नहीं भी हो तो हमको तो अच्छा लगता था संगम, और अभी हीरे तुल्य है वहाँ सोने जैसे हो जाएंगे। अभी जो प्राप्ति है, नॉलेज है, वो तो वहाँ मर्ज हो जाएंगी। इसीलिए हम लोगों को शुरू से ही ब्रह्मा बाबा की पालना, ज्ञान और समय का महत्व था। इसीलिए हमको कभी ये संचय नहीं उठा तो इतना समय क्यों हुआ है। अभी तक भी हम समझते हैं संगम जितना बड़े उतना अच्छे। नहीं बाबा, हम लोगों को ये संकल्प ही नहीं था तो हमको कोई बाहर जाना है। अब बाबा से, मम्मा से इतना जिगरी प्यार था, जो उससे अलग होना हमारे लिए समझो एक बहुत बड़ी बात थी। और माँ बाप को छोड़ के आए उसकी फीलिंग नहीं थी इतनी उस समय, लेकिन मम्मा पापा को छोड़ के हम बाहर जाएंगे, कहाँ जाएंगे, कैसे जाएंगे, उस समय थोड़ा मम्मा बाबा को छोड़ना हमारे लिए मुश्किल था। हम बाबा को यही कहते थे कि बाबा आप अगर हमको कहो कि सिर तली पर रख दो, उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन बाबा मम्मा को छोड़ के दूर जाए ये हमारे लिए बहुत मुश्किल है। लेकिन बाबा हम लोगों को बाण भरते थे, यानी शक्ति भरते थे कि तुम नदी हो, नदी का काम क्या होता है, बहना, अगर तुम नहीं जाएंगी बाहर तो तुम नदी नहीं कही जाएंगी, तालाब कहा जाएगा, और तालाब में तो मच्छर होते हैं, ठहरा हुआ पानी होता है,
तो तुम तालाब बनने चाहती हो या नदी? तो कौन कहेगा हम तालाब? हम समझते थे हम नदी है, नदी होने के कारण हम लोग आखिर बाबा मामा को छोड़ के, प्यार तो था ना बाबा से, तो बाबा की आज्ञा को नहीं मानना ये भी नहीं सहन होता था, इसीलिए बाबा की आज्ञा मान करके हम निकले। एक तो क्या था, प्यार था, और दूसरा निश्चय था, बाबा ने कहा माना हमको करना ही है, कुछ भी हो जाए उसमें सहन भी करना पड़े तो बाबा के प्यार के आगे वो सहन करना कोई बड़ी बात नहीं लगती थी। तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि लखनऊ तो जाना है, लेकिन हमको ट्रेन का भी ज्ञान नहीं था, लेकिन बाबा ने कहा अंधों ने मुल्तान ढूंढा और तुम त्रिनेत्री बच्चे क्या लखनऊ नहीं ढूंढ सकते? तो हम उसी उमंग उत्साह से गए, बाबा ने कहा है और निश्चय है, प्यार है, होना ही है। तो हम गए और पहले तो धर्मशाला वगैरह में जा के रहे, क्यों हमको निमंत्रण तो था ही नहीं, तो स्टेशन से उतरे कहाँ जाए ये भी पता नहीं था, लेकिन पूछ के पहले धर्मशाला में रहे, फिर थोड़ा माता भाइयों का कनेक्शन हुआ, उसके बाद फिर हमको कहा गया कि आप चीफ मिनिस्टर से एमएल क्वार्टर जो है उसका पुरुषार्थ करो, लेकिन है असंभव। तो हमने सोचा कि भगवान ने हमको भेजा है तो असंभव चीज़ तो होती नहीं, और कहने वाले जो थे हमको राय देने वाले वो समझते थे ये कुमारियाँ क्या कर सकती हैं, और मज़ा करते थे हमारे ऊपर, लेकिन हमको निश्चय था कि बाबा हमारे साथ है, ये चीफ मिनिस्टर है उसके भगवान के आगे क्या बड़ी बात है। तो हम उसी निश्चय से गए भी और चीफ मिनिस्टर से मिले, और उसी समय सेक्रेटरी को कागज़ न दे करके वहीं उस चीफ मिनिस्टर से लिखाया कि 3 माह के लिए इनको एमएलए क्वार्टर में छुट्टी दीजिए। तो हमने देखा निश्चय और प्यार सहयोग देता है, और चीफ मिनिस्टर भी जैसे भगवान की प्रेरणा के पीछे जैसे परवश था, आगे बढ़ने चाहता था लेकिन बढ़ नहीं सकता था। हम बाबूजी कहते थे, वो बच्चियाँ बच्चा कहते थे, लेकिन सभी देख रहे थे तो ये कौन सी छोटी कुमारियाँ हैं, हमारी ड्रेस भी साड़ी वगैरह नहीं थी, फ्रॉक और सिंधी ड्रेस थी, तो हम सबसे न्यारे भी लग रहे थे, लेकिन हमारे में योग की शक्ति, निश्चय का वो बल था, इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर जो है वो खुद ही कहता था तो ये असंभव बात संभव कैसे होगी, लेकिन बाबा ने असंभव से संभव करा दिया। ब्रह्मा बाबा की विशेषता ये थी कि हमेशा हमको अपने से ऊंचा देखता था, हम थे छोटे बच्चे लेकिन बाबा हमको कहता था कि तुम एक एक बच्चा मेरा जो है वो विश्व कल्याणकारी। तो हम छोटे होने के कारण समझते थे कि विश्व कल्याणकारी कैसे होंगे, हमको पता ही नहीं है विश्व क्या है, लेकिन बाबा शुरू से हम बच्चों में वो एक बहुत बड़ी जैसे उम्मीदें रखता था, और वो जो बाबा का संकल्प था उस संकल्प ने हमको भी शक्ति रूप बनाया। और बाबा की विशेषता ये थी कि कभी भी किसी के प्रति, समझो हम बच्चे हैं तो वैरायटी तो थे ही, लेकिन बाबा उनकी बुराई न देख करके अच्छाई के तरफ खुद करके दिखाता था, और हम लोग बच्चों में भी वो संस्कार बढ़ता था कि कमी न देख करके विशेषता दे। और बाबा की यही ट्रेनिंग बहुत एक वंडरफुल थी
कि कभी भी बाबा कहता था कि तुम ये नहीं बोलो कि मुझे ये आता नहीं है, मैं ये नहीं कर सकती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ। बाबा कहता था देखो तुम बच्चे जब ज्ञान में आए तो तुम ज्ञान को जानते थे, सीखे तो हो गए ना होशियार। इसी रीति से कोई भी काम हो, चाहे स्थूल हो चाहे सूक्ष्म हो, लेकिन मेरे को नहीं आता है या नहीं शब्द जो है मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं जानती नहीं हूँ, ये कमज़ोरी के शब्द जो है वो बाबा को बिल्कुल ही खराब लगता था। तो ना शब्द हमारे जीवन में होना नहीं चाहिए, ये बाबा ने हमको बहुत विशेषता सिखाई। उसी विशेषता के आधार पर हम कहाँ भी कोई भी काम करते थे तो हमको ना नहीं करना है लेकिन सीखना है और सीख करके करना है। तो इसीलिए कोई भी बात यज्ञ में आई लेकिन हमको शक्ति जो बाबा ने दी, हाँ मैं कर सकती हूँ मैं शक्ति हूँ, उससे क्या हुआ जो कोई भी परिस्थिति हमको बड़ी नहीं लगती थी और सहज लगती थी, खेल लगता था। और बाबा की विशेषता ये थी कि सबके प्रति जो हैं वो रहम दिल, चाहे बाबा ब्रह्मा बाबा ने कभी अपने पास्ट जीवन में कभी किसी गाली नहीं खाई, इंसल्ट नहीं देखी, लेकिन सभी बाबा यानी ब्रह्मा बाबा की पहली लाइफ जो थी सभी बाबा से राय लेने के लिए बड़ा बुद्धिवान समझ करके रिगार्ड देते थे। लेकिन ज्ञान में परमात्मा की प्रवेशता के बाद बाबा के ही संबंधी बाबा के इंसल्ट करते थे, गाली देते थे, लेकिन हमने देखा कि बाबा को कभी भी गाली नहीं लगती थी। बाबा कहता था बच्ची ये अज्ञानी है ना, तो अज्ञानी के ऊपर वश है, इसलिए उनके ऊपर रहम करो, ईर्ष्या नहीं करो, घृणा नहीं करो। ज्ञान में घृणा शब्द होता नहीं है। तो हमने देखा बाबा ने गालियाँ भी ऐसे सहन किए, ऐसे सुने जैसे कि महिमा सुने। एक रस स्थिति जो है निंदा स्थिति में समान, वो हमने देखा। मम्मा जो थी वो विशेषता मम्मा की ये थी कि सभी बच्चों की पालना जो की वो गंभीरता और प्यार, और एक एक बच्चे के लिए मम्मा टाइम दे करके उसकी जीवन को श्रेष्ठ बनाने का लक्ष्य रखती थी। और माँ का प्यार जो होता है निस्वार्थ प्यार, वो मम्मा का प्यार जो है देखना चलना बोलना, तो एक एक भोल में मम्मा की एक एक, एक सेकंड की दृष्टि जो थी वो हम बच्चों के प्रति ऐसी श्रेष्ठ रहती थी, प्यार की रहती थी, जो हम लोग मम्मा को छोड़ने नहीं चाहते थे। और मम्मा के जैसे दिल में मम्मा के शुक्रिया के गीत बजते रहते। बाबा हमको ऑलराउंड बनाने चाहते थे, इसीलिए बाबा ने हम लोगों को शुरू से सब काम सिखाया, यानी बगीचे में काम करना वो भी सिखाया, और नौकर सब कुछ करे हम शहजादे माफिक चले वो भी अनुभव कराया। लेकिन बाबा सब कुछ सिखाने के बाद भी ऐसे लगता था जैसे एकदम न्यारा और प्यारा। तो हम घूमने भी जाते थे तो बाबा हम लोगों को पक्का कराने के लिए, समझो हम चल रहे हैं आगे और बाबा पीछे चल रहा है, तो बाबा बीच बीच में क्या करता था कि खुद जल्दी चल करके आगे हो जाता था, आगे जाके ठहर जाता था।
तो हम सब पीछे हो जाते थे, और बाबा खड़ा हो गया तो हम लोग भी खड़े हो जाएंगे। और बाबा फिर दृष्टि देख करके और पूछते थे, बच्ची अभी जो आप सैर कर रही हो तो अपनी बातों में थे या आत्म अभिमानी हो करके चल रहे थे? तो समझो हम बॉडी कॉन्शियस में आ गए, बातों में आ गए, तो बातों में नहीं आते थे, अटेंशन खींचते थे कि बाबा ने पूछा है, तो फिर जैसे रिफ्रेश हो जाते थे। और चलते हुए भी आत्म अभिमानी का अभ्यास जो है वो पक्का हो जाता।